एवरीवन, मायोपिया क्या है और उसको सही कैसे करें, लोग चश्मा क्यों लगाते हैं, ये सब के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो सीधी बात है वीडियो लंबा जाएगा। तो मैं आगे ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी अगर आप सिर्फ इतना देखने आए कि मायोपिया सही कैसे करें, चश्मा ये जो लगा है इसको कैसे उतारें, तो एक बात आपको समझना पड़ेगा। YouTube पे दिखाए गए जितने भी मायोपिया सही करने के उपाय हैं, उनमें से मुश्किल से एक या दो लोग सही हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक भी सही होता तो वो वर्ल्ड फेमस हो गया होता। दुनिया में इतने सारे लोग चश्मा लगाते हैं, ये बात आप समझिए। अगर इनमें से एक भी सही होता, ये आयुर्वेदाचार्य हो गए, डॉक्टर हो गए, बेट्स मेथड वाले हो गए, आँखों की एक्सरसाइज करने वाले हो गए, ये योग गुरु हो गए, ये सभी लोग, अगर इनमें से एक भी अगर कोई चश्मे के बारे में सही होता तो वो वर्ल्ड न्यूज़ हो गई रहती, दुनिया उलट पुलट हो गई रहती। इसलिए मैं 4 साल के रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ मेरा अपना मेथड, जिसको मैंने 7 साल 7 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, चश्मा उतारना मतलब चुटकी बजाने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आप चश्मा लगा के सही तो देख सकते हैं, लेकिन अगर चश्मे के बिना अगर सही देखना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी बात। और उस मेहनत में बहुत टाइम लगता है, चश्मा एक दिन में नहीं उतरता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मतलब 6 महीने में मेरा एक डॉप्टर गया है, इतना धीमे धीमे चश्मा उतरता है। अगर आपको भी मेहनत करनी है, या तो आप इन लोगों की तरह जा सकते हैं चुटकियों में चश्मा सही करने वाले। बिल चुटकियों में चश्मा कैसे सही होता है? चश्मा पहनने से सही होता है, लेसिक करा लेने से होता है, उससे असली जो है जो समस्या की जड़ है वो कभी सही नहीं होगी। आप इंटरनेट पे खोजिएगा चश्मा की सर्जरी, मतलब लेसिक कराने के बाद भी लोगों की आंखें खराब होती हैं, तो आपको अगर जड़ से सही करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आंखें कैसे काम करती हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आप देखेंगे कि मैं चश्मे को मायोपिक करके फिर उसको चश्मा लगा के सही दिखाता हूँ, तो आपकी आंखें भी तो एक कैमरा ही हैं, दो कैमरे हैं। दो कैमरे किस लिए? ताकि आप 3D में देख सकें कौन सी चीज़ आगे है पीछे है, आप पहचान सके। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चश्मा सही करना है तो चुटकियों में सही नहीं होगा, सीधी बात। मायोपिया जितने सालों में आपकी आंखों में आया है उतने ही सालों में वापस भी, उतने ही साल उसको लगेंगे वापस भी जाने में। जैसे बचपन में आपको 1-2 साल लगे आपका अपना आपका अपना पावर आने में, तो आपको उतने ही समय लगेगा। मायोपिया ठीक होने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आप बूढ़े हैं या बच्चे हैं, आपकी आंखें डेवलप हो रही हैं। मायोपिया होता है सिर्फ एक वजह से, पास की चीज़ों को ज़्यादा देर तक देखने से। और अगर इसको सही करना है तो वो भी सिर्फ एक वजह से होगा, जो ये सारे वीडियो मिस कर जाते हैं, वो है दूर की चीज़ देखने से। और दूर की चीज़ भी कैसे देखने से? चश्मा लगा के देखेंगे तो आप दूर की चीज़ चश्मे के साथ देखने में एडजस्ट करेंगे, तो आपको तो दूर की आपको दूर की चीज़ें बिना चश्मे के देखनी है, तो आप बिना चश्मे के दूर की चीज़ देखिए, या फिर कम पावर का चश्मा लगा के दूर की चीज़ देखिए, ये भी एक तरीका है। लेकिन इससे भी तेज़ तरीका है, आप बिना चश्मे के दूर की चीज़ देखिए। तो मैं 7 महीने से यही कर रहा हूँ, मुझे दिन में लगभग साफ ही दिखता है, दिन में लगभग बिना चश्मे के ही मैं दूर की चीज़ देखता हूँ, मुझे लगभग साफ दिखता है। तो आपको भी शुरू में 2-3 महीने लगेंगे साफ देखने में, लेकिन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ वो सही है। और रही बात चश्मे की, तो चश्मा जैसे जैसे आपको दूर की चीज़ देखने में, जैसे जैसे आपको इस चश्मे पे जोर देना, मतलब लगे कि ये चश्मा ज़्यादा हो रहा है, आप जाइए इस चश्मे को कम करा लीजिए।
ऐसे ही एक दिन कराते कराते आपका चश्मा जीरो पे आ जाएगा, मतलब कि आपका चश्मा उतर जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ये सालों में होगा, लेकिन ये हो जाएगा। अगर आप डेली 1 घंटे दूर की चीज़ देखेंगे बिना चश्मे के, जितनी अच्छी रोशनी उतना अच्छा है। अगर पीछे सूरज है तो सबसे बेस्ट है, सूरज में आप दूर की चीज़ देखिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। बिना चश्मा पहन के दूर की चीज़ देखिए, चश्मा सही करने का सिर्फ यही एक इलाज, ठीक है? चलिए, गुड नाइट या गुड डे, पीछे दिन है, अगली बार मिलेंगे। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट में बताइए, मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊंगा।